आज का जो टॉपिक है वो क्या है, फर्टिलिटी और चाइल्ड हेल्थ केयर, करेक्ट है। वहां पर मैं तीन चीजों पे बात करने वाला हूं। एक तो है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो बच्ची और जो बच्चा शादी कर लेते हैं, या कौन ये सोचिए, पीछे सुनने आ रहा है, यस करेक्ट, ओके सर, शादी हो जाती है और एक से डेढ़ साल के बीच में अगर प्रेगनेंसी रुक जाती है तो उसको फर्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। और वहीं अगर ये टाइम लंबा होते जाता है तो फिर हो जाता है इनफर्टिलिटी। बात समझ में आ गई। एक है कि फर्टिलिटी और एक है इनफर्टिलिटी। और ये दोनों में आती है भाई, सिर्फ महिला में नहीं आती है, ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझना। जैसे मैडम ने कहा ना कि 1% उसकी तरफ जाता है या जो भी है, तो ये इनफर्टिलिटी जो है ये हम में भी होती है, लेकिन अक्सर लड़की उंगली किधर होती है सबसे पहले, लेडीज आर फर्स्ट, इसीलिए। और ये अगर हो जाता है तो क्या होगा, प्रेगनेंसी हो गई तो क्या होगा, चाइल्ड, है ना। तो अभी हम लोग कैसी बात करेंगे, पहले इसको समझेंगे, उसके बाद चाइल्ड केयर समझेंगे और फिर यहां पे जाएंगे, ओके डन। बहुत अच्छा मैडम ने टॉपिक लेके उसको कवर किया, 8-10 स्लाइड में उन्होंने बहुत सारी बात बताई। और आप लोग देख रहे हैं अभी यहां पे जो रेगुलर आते थे, ये 2 महीने में ऐसा क्या हो रहा है कि टॉपिक चेंज होते जा रही है। पहले खाली मैं आता था, प्रोडक्ट की स्लाइड्स होती थी, बात कर लेता था, उसी में कैंसर वैंसर जो भी है कवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस टाइम पे वुमन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, क्या वजह, आपको तो क्या लगता है। चलो ठीक है। और एज ऑलवेज फिर से आज मुझे बुरा लग रहा है, बुरा ये लग रहा है कि एक क्रिकेट मैच है लेकिन ऐसी कंट्रीज के बीच में है जो हम, और उस कंट्री को इतना इंपॉर्टेंस ही हम क्यों देते हैं जिसे हमें कोई लेन देन नहीं रखना। और आज जो यहां मिस कर जाएगा, शायद ये पीपीटी वापस होगा लेकिन वो वर्ड शायद नहीं मिलेंगे जो आज मिलेंगे, क्योंकि लास्ट 48 आवर्स से मैंने वो सब दिमाग के अंदर प्रिपेयर करके रखे, तो अगली बार जब ये टॉपिक आएगा तो शायद वो चीज आपको नहीं मिलेगी, पीपीटी से मिलेगा लेकिन वो चीज नहीं मिलेगी। तो एक कारिया आपके लिए कि आप बहुत लकी है कि आपको ये दूसरी एक चीज समझने की बात है कि आज के दौर में ये समस्या जो है किसकी है, खाली डॉक्टर सारंग की है, विशाखा मैडम की है, या खाली डीएक्शन वालों की है, शक्ति किसकी है, हर घर की है, हर घर की समस्या है, करेक्ट है। अब यहां पे जो ये फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी की जो बात होती है ना, वो एक शब्द को लेके या उसको लेके कहा नहीं जाता था, डिस्कस नहीं किया जाता था, करेक्ट है। जैसे हम लोगों ने, इसीलिए हम लोगों ने आपका माइंड खोलने के लिए पहले एक हैप्पी हार्मोन वाला सेशन किया ताकि आपको इजी करें, कैसा लगा था वो सेशन, वो हैप्पी हार्मोन भी इसके अंदर ही आता है। अगर वो हार्मोन्स के अंदर प्रॉब्लम है तो आपको फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी ये दोनों में, इनफर्टिलिटी में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, आप फर्टिलिटी नहीं कर पाओगे, ये चीज याद रखना। तो पहले अपने हार्मोन्स को हमें अच्छा रखना है। आज के दौर में ना हमें प्लेट, न्यूट्रिशनल प्लेट जिसकी जरूरत है लेकिन उसकी बहुत सारी नॉलेज की जरूरत नहीं है, जो भी न्यूट्रिशन मिलेगा वो महारानी बेटी है आपको देगी, उसके साथ में सी बक्तौन है वो देगा, उसके साथ में जिनसिंग है वो देगा, सब देगा। समझना है अल्कलिनिटी को, समझना है ह्यूमिनिटी को, तब जाके आप इस पर आएगा।
पूरे वर्ल्ड वाइड का डाटा आपके सामने आएगा। अभी ये समस्या सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की है। मेरे पास कई बार आते हैं और हमारे जो लोग हैं, पता नहीं सॉरी टू से, कई बार तो मीटिंग के अंदर ही मिलाने की कोशिश करते हैं। भाई मैं डॉक्टर हूं प्रोफेशन से, गायनेकोलॉजिस्ट के जैसा चार्ज तो नहीं करता हूं। अगर ये केस अगर गायनेकोलॉजिस्ट के पास चली जाती है ना, तो कितने में उतरते हो पता है? फिर भी घोड़ा घास से दोस्ती करेगा आएगा नहीं। तो मैं मेरा टाइम देता हूं तो काउंसिलिंग के लिए जो भी है चार्ज करता हूं, तो उसमें पेट में दर्द होता है। और हमारे यहां तो एमडीडीएम ऐसे ऐसे है, हाँ यस यस, बहुत बड़े बड़े एमडीडीएम यही मौजूद है, होना चाहिए, सीखो। लेकिन यहां पर छेड़छाड़ मत करो, ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। बहुत पुराना एक किस्सा सुनाता हूं, मेनार्की मेनोपॉज का मैडम ने बताया आपको क्या ये होता है, जिस पर हम लोगों का टॉपिक भी हुआ था। मेनोपॉज का मतलब है मेंसेस का बंद होना। आपने कहीं देखा है किसी का मेंसेस बंद होने के बाद में प्रेगनेंसी हुआ है? नहीं हुआ ना, करेक्ट है। हमारे यहां एक बहुत बड़े, अभी आई डोंट थिंक सो कि हमारे साथ है इस वक्त में, ये दादर में हमारे वहां ऑफिस था, वो सीता स्मृति वहां पे एक कपल आ गया था। और इस चीज को लेके ना हर एक की उम्मीदें होती है और हर एक का एक एक्सपेक्टेशन होता है। किसी के उम्मीदों के साथ मत खेलना, आप उसको मदद नहीं कर सकते हो, डिनाई करो, उसको थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन वो आपसे हमेशा रिलेशन बना के रखेगा। लेकिन आपने अगर उसकी बहुत सारी उम्मीदें जगा दी और कुछ नहीं किया ना, तो बहुत गड़बड़ होगा। बंदा तो था, वो था 60 साल का, कितना वो फीमेल थी अराउंड 52-54 की। एक साल से एक प्रोडक्ट खा रही, आर्टिजियन वगैरह खिला रहा था, जो खिला रहा था ये आश्वासन में और ये उम्मीद में कि कल कुछ, जब कुछ नहीं हुआ तो टांडव मचने लगा। जो एक टांडव मेरे यहां भी बजा था, उसे दीदी साहब ने थोड़ा कवर कर लिया था मेरे मीटिंग के अंदर, खैर उसमें नहीं जाता हूं अभी डिटेल में। तो जब टांडव मचा तो बलवानी जी थे हमारे, बोले यार फिरोज जरा जा ये समझा। मैंने पूछा, हिस्ट्री लिया सबसे पहले कि मेंसेस कैसे है, कहती है 10 साल से मेंसेस नहीं आया है, जो जमीन सूखी पड़ी है 10 साल से। अब सीधे से मैं बात पर आता हूं, वहां क्या उम्मीद करोगे आप? फिर उनको अलग तरीके से समझाया गया कि भाई आपको बाकी और जगह, बोले बाकी और जगह तो फायदा है लेकिन हमने प्रोडक्ट लिया था बच्चे के लिए, हमारी शुगर को ठीक करने के लिए नहीं, हमारा बीपी ठीक करने के लिए नहीं। बच्चा हो जाएगा तो वो सारी चीजें हमारी ठीक हो जाएगी, हमको पता है, हमको बताया गया था ये प्रोडक्ट खाओ आपको बच्चा होगा। ऐसा काम मत, बच्चा होगा अगर सारी चीजें स्टडी करो। और यही नॉलेज देने की कोशिश हम लोग आपके साथ करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी पता नहीं इधर निकल बहुत निकलते हैं, चलो कोई बात नहीं। और ऐसे ही टॉपिक्स के साथ में अभी हम लोग आए हैं आपके सामने। अभी अभी मैडम से बात की तो कहा कि अगला महीना पूरा कैंसर वालों का है, तो महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर के लिए हम लोग टॉपिक करेंगे, तो आएंगे हम उसके साथ, क्योंकि ये तो काफी केसेस हमारे पास आ रही है और मेरा तो ग्रुप ही है उसका हम काम कर रहे हैं, तो वो करेंगे, ठीक है। सो आज का कंटेंट जो है वो फीडिंग ऑफ इन्फेंट्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम। अब यहां पर जो हम बात करेंगे तो फर्टिलिटी की, तो एक बच्ची जो है ठीक है उसकी शादी हो जाती है 18-20 साल के बाद में, समझिए पहले तो वो जल्दी जल्दी करते थे आप लोग, अभी थोड़ा सा समझदारी आ गई है, लड़कों की लड़की की शादी कर लेते हैं ठीक है। और पहले दिन से उम्मीद क्या करते हैं, घर में बड़ा बुजुर्ग रहेगा, दादी नानी रहेगी, भाई पालना हलना चाहिए यार, झूला हिलना चाहिए,
ऐसा जैसे एटीएम मशीन में कार्ड डाला और ये एक्चुअली मेडिकल फ्रेटर्निटी ऐसी सब बातें करती है भाई। आप लोग अगर ऑपरेशन थिएटर में खड़े रहोगे ना तो भाग जाओगे बाहर। हम पूरे वही खमाम में सारे नंगे ना वैसे रहते हैं हम। तो इतना उम्मीद देना चाहिए। एक बच्ची कहीं से आती है आपके यहां पे, वो हो सकता है दूसरे घर से आ रही है, दूसरे माहौल से आ रही है, उसका रहन सहन अलग है, सब कुछ अलग है। आपके घर को तो जानती नहीं है, कुछ नहीं है, आपका रहन सहन नेचुरली उसका इफेक्ट उसके हार्मोनल लेवल पे वगैरह होगा। और यही वजह होती है कि शादी के पहले ही महीने में अगर सब सही रहा तो बहुत अच्छे से इमीडिएटली 2-3 महीने में भी कभी कभी प्रेगनेंसी हो जाती है, वरना दूसरे 4-5 महीने से ही पीसीओएस पीसीओडी का भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल में जाती है और इतना स्ट्रेस कि उसके वजह से उसको काफी तकलीफें आती है। और फिर बाद में क्या होता है, अगर 1-1.5 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ, इसका पहले डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है। अगर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है तो वहां तक तो ठीक है, बट अगर आपका लड़का अगर सिगरेट पी रहा है या दारू पी रहा है, हा? बहुत सारा स्ट्रेस में रहता है। और आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी का जो है वो कहां पर है पता है आपको? मेल उसके लिए भी जवाबदार है। अगर फीमेल का पीसीओडी पीसीओएस और हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ रहा है तो आदमी में भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। क्यों? मोबाइल फोन, रेडिएशन, ये बहुत सारे आप लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। बहुत बार आते हैं कपल और क्या कहेगा आदमी जो सीधा कहता है, यार मैं तो बहुत फिट एंड फाइन हूं, बहुत ही फिट एंड फाइन हूं। अब यहां पे जो है एक कपल से एक बच्चे के लिए, उसके लिए क्या दोनों में क्या मिलना चाहिए? अच्छा खासा उनमें प्यार, करेक्ट है, जो सेक्स की क्रिया है वो अच्छे से होना चाहिए, एक अच्छा टाइमिंग होना चाहिए, उस महिला के मेंसेस रेगुलर होना चाहिए। उसी तरह से वो पुरुष जो है उसका भी स्ट्रेस लेवल वगैरह और उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए। ये सारी चीजें जब मिलेगी तब तो जाके एक उसपे कन्वर्ट होगा। हाँ, हो पाता है मुंबई जैसे एरिया में या बड़े बड़े सिटीज में ये हो पाता है, क्योंकि आपके पास ना सही से उनको प्राइवेसी है। सबसे बड़ा हमारे सेंट्रल बॉम्बे में तो प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है, है क्या? और कई बार तो ऐसा होता है कि उनको कुछ मिलता ही नहीं है। मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया केस आया, मेरे लाइफ का सबसे अच्छा केस था। मैं नाम अभी नहीं लूंगा उस व्यक्ति का जिसने मुझे वो दिया था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, अब रिटायर हो गया है वो नायर हॉस्पिटल से। उसकी भांजी थी, शादी होके कुछ महीने हो गए थे और उसका हस्बैंड था मताड़ी कामवर। कैसा काम करता था आपको? बोन नहीं लेगा, गप 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 उठाकेगा, क्योंकि उसको वजन उतारना होता है। उसकी स्पीड जो होती है ना चाल की, बहुत जबरदस्त होती है, बहुत जबरदस्त। एपीएमसी मार्केट और रहते थे कंसूर। अब पता नहीं वो थोड़ा सा उसको हैबिट रात में दारू वारू पीने की, और देखा कि भाई 5-6 महीना कुछ हो गया, कुछ हो नहीं रहा है। वो भाई ने था, बोलता नहीं है, कुछ नहीं है। और वो लड़की 18-19 साल की थी, बोले नहीं मुझे इसको छोड़ना है, दूसरी करूं, कुछ हो नहीं। तो अभी ये हॉस्पिटल वाला था उसका मामा, तो उसने कहा भाई एक रिक्वेस्ट है तेरे से, मेरा एक डॉक्टर है सीउल में, आप उसके पास चले जाओ दोनों जन, और तुमको कुछ ना कुछ तो वहां से बेनिफिट मिलेगा। दूसरे दिन का टाइम लिया उसने, सुबह सुबह आया सीवर स्टेशन से। पहले मेरा पुराना जो था वो सामने जो था ना अपना बिल्डिंग के नीचे वाला, वो वहां पे 111 में वहां पे मैं बैठा था। मुझे उसने कहा कि भाई सर ऐसा ऐसा केस है आने वाला है, थोड़ा देख लीजिए, मेरी भांजी है, नहीं तो उसकी मैरिड लाइफ खतरे में। बोला यार तेरी भांजी है मतलब मेरी भांजी है, मैं भी तो मामा हो गया उसका, रिएक्शन का नाता है, कोई बात नहीं, जितना हो सकेगा बचाने की कोशिश। आने वो सीधा आके बैठ गया,
मैं समझ गया ये कैरेक्टर वो साथ में नहीं आई, वो आ रही है पीछे से दर्द पीछा। मैं बोला ये कैरेक्टर है जो आ रही है और ये कैरेक्टर आके बैठा है। मैं बोला हाँ आ बाबा। हाँ फिर साइबर नहीं कर रहा भाई, थोड़ा मिटाया पानी वानी पिलाया बात कर रहे हैं। काय नाही याच्यामध्ये सगळा फॉल्ट हे फॉल्ट ते फॉल्ट हे ते बड 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 बड। बोला ठीक आहे सब ठीक आहे हो गया। मी तर एकदम फिट आहे काय, मी तर एकदम फिट आहे, मैं तो एकदम फिट हूं, 50-50 किलो उठा के पूरा गाड़ी खाली कर देता हूं, वो तो दिखेगा ही ना, नेचुरली फिट ही बोलेगा आदमी। मैं बोला ठीक है। मन में बोला भाई तेरे फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ा लोचा तेरा मेंटल हेल्थ में है, वहीं पे तेरे को रिपेयर करना पड़ेगा मुझे। मैं तो समझ लिया, कॉफी पिलवाया, मैडम घर पे थी और वो लड़की इच्छा ली ना ऐसा पल्लू लेके गांव की पल्लू लेके इसी कोने में बैठी है इसी सही हुई, ऐसा लगा था उसको पता नहीं धोगी मार के आया था पता नहीं क्या, मुझे बहुत फील हो रहा था कि अब इसको ओपन के साथ तो मेरे साथ तो नहीं होगी। तो मैडम को बोला भाई तू जल्दी आ जा। मैडम आ गई तो फिर मैडम जैसी आई ना मैंने तो यार तू तो मेरा दामाद है, उसको यही बोला उनका दामाद है मतलब मेरा दामाद है। बोला चल अपन नाश्ता करके आते हैं, उसको गले में हाथ डाला, प्रीति का होटल में ले गया, मस्त इडली वगैरह मंगाया, उसके लिए टाइम पास किया। और जब तक मैडम ने यहां पे उसकी पूरा चिट्टा खोल 20 से 30 मिनट के अंदर मैडम पूरी बुक ओपन हो गई। मैडम का फोन आ गया, बोले फिरोज इट्स ओवर, लेके आओ उसको, आज उसकी आज अपन उसको मैं ही करती हूं बराबर, आप कुछ नहीं करो। कहां गलती है उसकी मैं उसको बताती हूं, शेयर नहीं करना चाहिए बट बता रहा हूं, रोज नशे के धूत में उसको क्या क्रिया करनी है वो ही नहीं पता। तो वो बच्ची का क्या दोष है, जस्ट इमेजिन अगर वो चीज नहीं ओपन होती तो क्या। फिर उसके गले में हाथ डाला और मैंने बोला बेटा तू एपीएमसी में है, वहां पे मेरे बहुत पहचान वाले, तुझे मारूंगा 50 और गिनूंगा 500, 6 महीना तक तो तू कोई बात नहीं करेगा, 6 महीने में तू दारू कम करेगा, तेरी दारू के लिए भी दवा दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं और ये सब चीज करते हुए तू इसको संभालेगा। बहुत उसकी लेफ्ट की है हम लोगों ने, सबसे बड़ी अच्छी चीज ये हो गई जब काउंसिलिंग करके हम बाहर निकला है उसका हाथ पकड़ के लेके गया, मैंने नुजर को बोला नुजर अब ये जरूर रिजल्ट है, आया तो पकड़ के आया, वो पीछे पीछे से आएगी, अब उसका ये हाथ पकड़ के लेके जा रहा है मतलब जरूर ये रिजल्ट। अब आप सोचो कि मैंने उसको प्रोडक्ट क्या दिया, प्रोडक्ट दिया क्या दिया क्या दिया एक प्रोडक्ट पे 3 महीने के बाद 3 या 14 महीना हो गया था और फोन आ गया उसी व्यक्ति का जो उसके मामा थे, बोले सर प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया और बाद में बहुत अच्छा लगता होता है, अभी बहुत हैप्पी है, बोले छोड़ दिया सब कुछ किया आपको आया मिलने आया था बाद में। ये चीजें जो उन्होंने बोला ना सोशल बॉन्डिंग और ये सब चीजें, ये चीज का ध्यान रखिए। जब आप लोग किसी इनफर्टिलिटी की केस को देखते हैं, बहुत से लोग तो फाइल देखते हैं ऐसा ऐसा पता नहीं क्या समझ में आता है उसमें, कई बार तो हमको नहीं समझ में आता है, कुछ चीजें ऐसी लिखी होती है जो हम उसके अंदर से ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, आप लोगों को क्या समझ जाता है पता नहीं। कभी भी काउंसिलिंग करो दोनों का, एक व्यक्ति का काउंसिलिंग करोगे तभी रिजल्ट नहीं आएगा, ये चीज को ध्यान रखो। चलो आप प्रेगनेंसी ठहर गई, बच्चा हो गया, करेक्ट है ना, बच्चे की कुछ जिम्मेदारियां हैं है कि नहीं है, क्या जिम्मेदारियां है? हेल्थ अच्छी रखना, बच्ची की हेल्थ अच्छी रखना, वेरी गुड, और परवरिश अच्छे से होना चाहिए उसमें, क्योंकि वही आपका न्यू है, वही आपका बैकबोन है, वही आपके जनरेशन को आगे लेके जाने वाला है, उसको हर जगह से उसको हेल्दी करना है, करेक्ट है। लेकिन होता है क्या, बच्चा हो जाता है आज बच्चा हो जाता है, कितने लोग माएं पहले की माएं थी 2-2 साल तक
ऐसा तो 6 महीने तक WHO बोलता है कि आप दूध पिला सकते, लेकिन पहले की माए 2-2 साल तक पिलाती थी, आज कहां टाइम है। अब उससे क्या क्या समस्या आएगी हो रही, तो कंटेंट यही है कि आपको फीडिंग कैसी करनी है इन्फेंट की, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या प्रॉब्लम आएगा और चाइल्ड की हेल्थ प्रॉब्लम क्या है। तो फीडिंग और इन्फेंट यानी बच्चों की फीडिंग, बच्चा हो गया है ठीक है, तो सबसे पहला ब्रेस्ट फीडिंग होता है मां का दूध। अब मां ने जो भी खाया है प्रेगनेंसी के टाइम पे वो बच्चे तक पहुंचा है, अगर उसने पानी पूरी खाई है तो बच्चे तक पहुंचा है, ये जानते हैं आप लोग। अब सिर्फ खाने पे ही निर्भर करता है या सोच पे भी करता है, अगर वो नेगेटिव सोचेगी तो बच्चा भी नेगेटिव सोचेगा। इसीलिए जितने भी रिलीजन है वो कहते हैं कि भाई आप लोग मंत्र सुनो या कोई अच्छी चीजें सुनो प्रेगनेंसी के टाइम पे, ताकि उससे वहां तक पहुंचे, क्योंकि आपका अम्बेलिकल कॉर्ड जो होता है वो सीधा बच्चे की नाभि को जो कनेक्ट करता है वो बहुत सारी चीजें उसको वहां तक पहुंचाता है ठीक है। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग, अब ब्रेस्ट फीडिंग का क्या महत्व है, उसके बाद एक आर्टिफिशियल फीडिंग होता है, जिस महिला को अगर दूध नहीं आ रहा है तो उसके लिए फिर बताया जाता है कि भाई आर्टिफिशियल फीडिंग करो, और फिर एक होता है विनिंग यानी सब्सिट्यूट करो, विनिंग यानी सब्सिट्यूट करो ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, सबसे अच्छा दूध कौन सा है, मां का दूध, अमृत काल करेक्ट है, 6 महीना तक इसको किसी की जरूरत नहीं है। नॉर्मल मदर हर रोज 650 से 600 ml दूध पैदा कर सकती है, सिक्रीट करती है, जिसके अंदर इतना प्रोटीन मिलेगा और इतनी कैलोरीज मिलेगी बच्चे को। पहला दूध जब मिलता है ना बच्चे को तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, उस वजह से उसकी इम्यूनिटी वन ऑफ द बेस्ट होती है। और जिन्होंने भी मां का दूध किया है अच्छा, सब किया तो सबने, लेकिन दे हैव सक्सेस, उनकी लाइफ में सक्सेस। लेकिन कुछ बेचारे ऐसे भी बच्चे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या ज्यादा ब्लीडिंग व्लीडिंग होने की वजह से मां बच्चे को अलग किया जाता है, या बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है तो उसको लिया के कांच में रखा जाता है ना, तो वहां पर वो समस्याएं आती है ठीक है। सो अ चाइल्ड हु ब्रेस्टफीड्स हैज अ ग्रेटर चांस ऑफ सर्वाइवल देन अ आर्टिफिशियल फीड। बॉटल के दूध पीने से ज्यादा जिंदगी मिलती है मां का दूध पीने वाले को, बहुत हल्का। मैं जिस डॉक्टर के पास पीडियाट्रिक के पास काम पे था, डॉक्टर अठौले, अगर वो किसी मां को बॉटल में दूध पिला के देखते थे, बॉटल लेते थे उठाकर फेंक देते लाइक गटर में दूध पिला, जो निपल होता है ना वो बोले गटर, इतना सारा बैक्टीरिया था लेकिन उड़ा के सीधा वाटी चम्मच, अगर नहीं पिला सकते ब्रेस्ट फीड कर सकते, आर्टिफिशियल दूध पिलाना है वाटी चम्मच। ये मोर्टैलिटी रेट इस डेवलपिंग कंट्रीज आर 5-2 times हायर अमाउंट चिल्ड्रन हु आर नॉट ब्रेस्टफेड, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री है US UK वगैरह की जैसा, वहां पे 5 से 10 गुना ज्यादा उन बच्चों की मौत ज्यादा हो रही है जो मां का दूध नहीं पी है। हमारे यहां ट्रेंड कहां से आता है, बच्चियां बच्चे फटे हुए कपड़े अमेरिका पहना तो हम भी पहनेंगे, माइकल जैक्सन वहां नाचा था तो हम भी नाचेंगे, स्लिम ट्रिम रहती है, बोले माए दूध पिलाती है तो प्रॉब्लम होता है, फिगर खराब होता है, मिक्स अनमिक्स कितना सारा कुछ पता नहीं है, मालिश नहीं करवाती है और बाद में समस्या ही समस्या लेके चलती है। तो एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीड क्या क्या है, सबसे पहला मां का दूध सेफ है, क्लीन है, हाइजीनिक है, चीप एंड अवेलेबल टू इन्फेंट एट करेक्ट टेम्परेचर, एक अच्छा टेम्परेचर जो बच्चे को चाहिए वो टेम्परेचर से होता है, और वो कलेक्शन उसका 9 महीना पहले से ही है ना, आज का नहीं है ना करेक्ट। दूसरा बेबी की सारी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करता है, फुल्ली मीट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्फेंट इन द फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ द लाइफ, पहले महीनों के अंदर कुछ महीनों के अंदर जो चाहिए वो न्यूट्रिशन देने की ताकत अगर कहीं है तो मां के दूध में। तीसरा एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ,
पहले महीनों के अंदर जो पेट की समस्या वगैरह आती है बच्चों को, अगर मां का दूध मिलेगा तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो उससे फाइट करेगा, बैक्टीरियल इंफेक्शन वगैरह से बचेगा, इजीली डाइजेस्टेड, यूटिलाइज बाय बोथ नॉर्मल एंड प्रीमेच्योर बेबी। मां का दूध से किसी को ऐसा सुनने में आया इसको हजम नहीं होता? होता है, उसकी वजह बताता हूं। अब प्रेगनेंसी हो गई है, खत्म हो गई है, उसके बाद में चलो 40 दिन या जो भी है वो टाइम तो सब सेफ चलता है, बाद में फिर वो बिजारी के बाद टाइम नहीं होता है तो खाना पीना या जो कुछ भी है, तो उस टाइम पे जो भाई गाय ने उल्टा सीधा कुछ खा लिया तो उसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि आपने जो खाया है वही आपके दूध के द्वारा बच्चे को जाएगा। तो देयर इज अ चांस, इसीलिए कोशिश ये करना है कि आपकी बच्चियों को कि अगर उसको तो पहले 6 महीने के लिए इतना प्रिपेयर करो कि भाई ये अभी तुम्हारी प्रेगनेंसी से 6 महीना तक तुमको बच्चे को दूध पिलाना ही कम से कम है। उसके क्या एडवांटेज आएंगे वो भी बताता हूं, उसे 6 महीना दूध पिलाने से उसको क्या फायदा है, तो ये सबसे बड़ी चीज। उसके बाद प्रमोट बाउंडिंग बिटवीन मदर एंड इन्फेंट। अब बॉटल का दूध पीगा तो मां का दर्द सहेगा क्या? सहेगा? पता चलेगा उसको? बॉटल का दूध पिएगा तो वो तो हिलाया, रात में दे दिया मुंह में, वो पिया नहीं पिया, कई बार तो बच्चा बॉटल खाली हो गई तो भी शक कर रहा है, शक कर रहा है, फिर पेट में उसके गैस हो रही है। ये बाउंडिंग क्रिएट करता है मां बच्चे में, ब्रेस्ट फीडिंग मां का दूध, और सकिंग जो करते हैं बच्चे जो दूध खींचते हैं उससे उनका ये जो जॉ और टीथ मजबूत आते हैं। प्रोटेक्ट बेबीज फ्रॉम टेंडेंसी टू ओबेसिटी, बच्चों के मोटापे से बचा सकता है मां का दूध, क्योंकि इसके अंदर गामा-ल्यूटामिक एसिड जो स्पिरुलिना में भी है जो मोटापा कम करता है, उसके अलावा प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन एंड रिड्यूस इन्फेंट मोर्टैलिटी। अब बच्चों की मोर्टैलिटी यानी डेथ कब होती है? जब उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उनकी इम्यूनिटी खतरे में रहेगी, तो मां के दूध से वो पूरा होती है। 8-9 सेवरल बायोकेमिकल एडवांटेजेस प्रिवेंशन ऑफ नियोनेटल हाइपोकैल्शियमिया और मैग्नीशियम। सबसे ज्यादा बच्चों को क्या मिलता है? कैल्शियम की मां के दूध से वो पूरा हो सकता है, मैग्नीशियम का भी पूरा होगा। देखो ऐसा बच्चा बनेगा ओके और ब्रेस्ट फीडेड बेबीज में ग्रो इनटू मोर सक्सेसफुल एडल्ट। स्पेशल फैटी एसिड्स इन ब्रेस्ट मिल्क लीड टू इंटेलिजेंस कंटेंट एंड बेटर विजुअल एक्टिविटी। ये किसका जैसे क्यों दिख रहा है? आइंस्टाइन। उसका आईक्यू क्या था? तो यही दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि आप नहीं चाहेंगे आपका बच्चा भी आइंस्टाइन जैसा हो जाए? चाहेंगे कि नहीं? सक्सेसफुल पीपल बनाना है तो मां का दूध पिलाना बहुत जरूरी है, बहुत। अब सबसे बड़ी चीज, प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी के टाइम में बच्चे को मां जो खाएगी वही शिशु को मिलेगा ना, 9 महीना, तो मां को क्या खाना चाहिए? अल्कलाइन फूड, एसिडिक फूड खाएगी तो क्या होगा? होता है, क्या होता है पता है आपको? बताइए, हीमोग्लोबिन डाउन। जितना एसिडिक फूड होगा हीमोग्लोबिन आपका नीचे जाएगा, वही आपने अल्कलाइन फूड दिया तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा। उसके अलावा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज रहेगी तो 9 महीना वो एक अच्छे से डिलीवरी हो सकती है। एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने सुनी थी अभी 8-10 दिन पहले, ये जब टॉपिक जब से छिड़ा है ना तब से कुछ ना कुछ कीड़ा दिमाग में काट रहा है। स्टोरी क्या थी कि एक लड़का है, उसकी शादी हो जाती है और बहुत प्यार करता है अपनी बीवी से, और प्रेग्नेंट हो जाती है, और प्रेग्नेंट हो जाती है, दोनों काम करते रहते हैं, फिर वो 14 महीने से ही उसको छुट्टी करा देता है और उसको बेड रेस्ट करवा देता है। और पता नहीं उसकी गायनेकोलॉजिस्ट उसको क्या बोलती है कि इसको रेस्ट करा, तो इसको समझ में आता है कि बेड रेस्ट करा तो पूरा टोटल बेड रेस्ट करता है। उसकी मां बोलती है बेटा ये मत कर, उसको कुछ ना कुछ करने दे, वो थोड़ा काम करेगी तो हेल्पफुल रहेगी। बोलता आपको क्या समझता है? मां को बोलता है जस्ट सोचो आपको क्या समझता है? 9 महीना कंप्लीट होता है, लेबर पेन स्टार्ट होता है,
लड़की हॉस्पिटल जाती है, लेबर पेन बर्दाश्त नहीं कर रही है, वो चिल्ला रहा है, डॉक्टर पे गुस्सा कर रहा है कि आप बोल रही 5 मिनट में हो जाएगी, 5 मिनट में इसका दर्द नहीं दे सकता हूं। तो बोली कि मैंने तुमको बोली थी इसको बेड रेस्ट पे डालने के लिए, मैंने कहा था आपको रेस्ट कराने के लिए, आपने क्यों उसको बेड रेस्ट पे डाला? रेस्ट और बेड रेस्ट में बहुत फर्क होता है। बेड रेस्ट का मतलब क्या है? पलंग पे पड़े थे, खाना भी वहीं आ रहा है। कई बार तो कुछ घर तो इतने खुश हो जाते हैं ना, बच्ची या बहू प्रेग्नेंट हो जाती है तो कहीं कहीं घरों के अंदर खुशियां नहीं रहती है, तो बहुत दिनों के बाद आती है तो वो तो बेचारे ऐसा झेलते हैं, वही इवन पैन भी दे देते हैं बेड पे, बोले नीचे मत उतरो। ये भी पोजीशन है, सबसे गंदा काम, सबसे गंदा। फिर डॉक्टर उसको समझाती है, अंदर ले जाती है, नॉर्मल डिलीवरी से लड़की होती है, तब उसको याद आता है कि मां कह रही थी कि उसको बेड रेस्ट मत करा, तब जाके मां को बोलता है मां लक्ष्मी हो गई, तू कह रही थी सही कह रही थी, आज के बाद तेरे और उसके बीच में कुछ नहीं बात करूं। हमारे गांव में डॉक्टर थे बहुत पुराने, आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, बहुत पुराने 40s के, बहुत गांव का उन्होंने कल्याण किया, ऐसी गरीबों को देख देते थे, कुछ पैसे से पैसा नहीं मांगा। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी उनको मिलती थी ना रास्ते में, बाबू कमर दुख रहा, दो खंडा उठा बाउडी पे चले जा, वेल पे जा भर के ला, लाड़ नहीं, जस्ट इमेजिन करो। वो इसलिए ताकि इजी पार्चरेशन के, इजी डिलीवरी के लिए। आज क्या करता है? आज का दौर तो पेनलेस डिलीवरी का है, पेनलेस डिलीवरी, डेट लिख के लेते हैं, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, सीधा कमर पे इंजेक्शन मार देता है। अब सोचो मां ही खुद अपने बच्चे को खराब कर रही है, एक इंजेक्शन मारती है ताकि दर्द बर्दाश्त ना करना पड़े। अरे तुम्हारा, तुमने ही दर्द नहीं बर्दाश्त किया उसको पैदा करने के लिए, तो आगे जाके तुम्हारे क्या दर्द बर्दाश्त करेगा? पेनलेस डिलीवरी। कभी अपने बच्ची को या बहुओं को इस चीज के लिए प्रोत्साहित नहीं करना, क्योंकि आजकल नया ट्रेंड आ रहा है, लोग है ना गूगल बाबा यूट्यूब मामा ये सब सिखा रहा है, कुछ नहीं मिलेगा इससे। एक अच्छा जनरेशन, एक कच्चा खानदान, चलने वाला खानदान, दौड़ने वाला खानदान चाहिए, तो वही पुराना ट्रेडिशनल, ये ऐसी चीज है जहां पे कोई हेर फेर नहीं चलेगा। आपके हाथ पैर कुछ बदल गए क्या? सालों साल से है वैसा ही है ना, खाने की क्रिया बदल गई है क्या? है ना, अगर कोई वेजिटेरियन खानदान है तो वेज ही खाता है, वो अलग बात है कि बच्चे जाके बाहर नॉनवेज खा के आ जाते होंगे, वो अलग बात, लेकिन घर के अंदर सभ्यता तो पालते हैं, जो नॉनवेज खा रहा है वो नॉनवेज ही खा रहा है, कुछ चेंजेस हुआ तो फिर ये क्या है? दर्द ही नहीं हो सकता। अब इसका फायदा क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग का माहौल, अर्ली इनिशिएशन ऑफ हेडिंग हेल्थ केयर, पीपीएच एंड एनीमिया, पोस्टपार्टम हिमरेज जो होता है ना, डिलीवरी के शराब के बाद में जो खून बहना उसका रिस्क कम हो जाता है, खून की कमी कम हो जाती है ब्रेस्ट फीडिंग से, माओ को फायदा। इसलिए प्रोत्साहित करो अपनी बच्ची को, अपनी बहू को कि बेटा वो पहले कहेंगे मुमा दूध नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, आएगा, वो शक नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो वो तो अंदर अंधकार में था ना, वो तो मस्त अपना स्क्रीन कर रहा था ना, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, बाहर उजाला ही नहीं है, वो तो आ गया जंजाल में आपके पास बाहर, अब बाहर आके उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम जाएगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन क्या करते हैं इमीडिएटली, अरे नहीं 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 ले रहा ना, चलो बोलो, कभी नहीं होती, उसके क्या दुष्परिणाम हो गए भी सोचो। अब ब्रेस्ट फीडिंग से मदर की इम्यून सिस्टम बढ़ेगी, सबसे बड़ा फायदा नेक्स्ट प्रेगनेंसी डिले होगी, इंसुलिन, डायबिटिक मदर अगर है तो उसका इंसुलिन कम हो जाएगा, फायदा करेगा, प्रोटेक्ट मदर फ्रॉम ओवेरियन ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डी का जो कैल्शियम कम होना सन का कैंसर है इससे बचाने का काम करेगा, ओवेरियन कैंसर से भी आपको बचाने के लिए हेल्प कर सकता है ब्रेस्ट फीडिंग। एक ऐसी एक्सरसाइज जिसके लिए ना आपको कोई पैसे लग रहे, सिर्फ आपका टाइम, और सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको ब्रेस्ट फीडिंग का, आजकल की महिलाओं को 24 घंटा भी दो तो ना तो काम, टाइम कम है कि नहीं है,
तो आप अगर वही 10-15 मिनट निकाल निकाल के बच्चे को अगर 3-4 बार ब्रेस्ट फीड कराती हो तो उतना आराम आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? जस्ट इमेजिन, शायद हजम नहीं होगा बात, राइट है? आपको आप लोगों के अतीत में लेके जा रहा हूं क्या, ऐसा लग रहा है? हाँ, सो उसके बाद क्या होता है, अगर वही जैसे कि मेन इंडिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग होती है, फिर जैसे अभी ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे की मां गुजर गई या प्रोलॉन्ग इलनेस में है तो ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि भाई आप आर्टिफिशियल फीडिंग करा। अब यहां पे ना ब्रेस्ट फीडिंग के डाइट पे आपको क्या करना है, जो अल्कलिनिटी वगैरह को मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट आप ये उसके साथ सीबकटॉन नोनी ये सारी चीजें उनको खिलाना चाहिए। इससे खिलाने से फायदा क्या होगा, क्या फायदा होगा, मां ये सब खाएगी तो बच्चे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डायरेक्टली हम बच्चे को नहीं दे सकते, ये साइंस कहता है, वो अलग बात है। सुजेश नायर ने डायरेक्ट कैप्सूल खिला दी, वो बहुत कम रिक्स लोग वाले हैं, जैसे कि मैंने मेरे मुसब को एक बीसीजी के बाद में कोई वैक्सीन नहीं दिया, तो वो मेरा रिक्स है, करेक्ट है ना? तो कहने का मतलब समझ रहे हो? तो यहां पर हम कहते हैं कि भाई आपको तो हम डायरेक्ट नहीं खिला सकते, तो मदर के थ्रू हम बच्चे को दे सकते हैं, तो मदर क्या कर सकती है, ये ले सकती है, ये लेगी तो क्या होगा, उसका दूध जो है वो अच्छा आएगा, न्यूट्रिशन आएगा, गामा जनेरिक एसिड और अच्छा बढ़ेगा। उसके बाद ये लेगी तो उससे क्या फायदा मिलेगा उसको, जीएल के एक्स्ट्रैक्ट जाएंगे, जीएल के एक्स्ट्रैक्ट से उसका ऑर्गेनिक जर्मिनियम और ये सारी चीजें पूरी बढ़ेगी, लेकिन उसके अलावा फिर आपका ब्लैक क्यूमिन हो गया या सी बक्टॉन हो गया, मोरिंगा हो गया, ताकि कैल्शियम वगैरह ये सारी चीजें उसको मिलने में काफी मदद दे। और अगर कोई मदर दूध नहीं पिला सकती है तो फिर आप ड्राइड मिल्क पे जाओ, यही आता है ना, ड्राइड मिल्क सुखा हुआ, करेक्ट? अब इसका क्या क्या है, अलग ये सेफेस्ट है, साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड फॉर इन्फेंट फीडिंग करते हैं, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, ये जल्दी खट्टा नहीं होता है, ऐसा सब इसके अंदर है, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ता है, इसका बनाने की क्रिया है, फिर वही है कि उसको आप बॉटल से पिलाते हो तो वही गैस वगैरह का ये सारी चीजें स्टेप। और अगर आर्टिफिशियल फीडिंग में दूसरा ऑप्शन क्या है, फिर काउ मिल्क, गाय का दूध सबसे अच्छा, क्योंकि ये चीपर अल्टरनेटिव है, पूरे इंडियन फैमिली में चलता है, और इसको जो फर्स्ट 2 मंथ्स में करते हैं आप डाइल्यूशन करते हो तो ये बच्चे की किडनी के लिए भी काफी हेल्प रहेगा, लेकिन गाय का दूध जो है वो हमेशा डाइल्यूशन करके देना है, डायरेक्टली नहीं देना है, उसको पानी में मिक्स करके देना है। और सबसे बेस्ट फीडिंग क्या है, आर्टिफिशियल फीडिंग है, मां का दूध नहीं दे सकते, आप बॉटल देना है, बॉटल बिल्कुल वाटी चम्मच इससे आप उसको पिलाइए, है ना, वो उसको कराने की कोशिश कीजिएगा। क्वांटिटी देखो पर फीडिंग में कितना मिलेगा, काउ मिल्क से पहले 3 साल का वेट में इतना देना है 70 ml, अगर आपका बच्चा 3 किलो का है तो 70 ml, उसमें 20 ml वाटर मिलाना है। अभी यहां पर मैंने शक्कर दिया है 5 ग्राम, आप शक्कर मत ऐड करो, आपका जैगरी ऐड करो, जैगरी ऐड कर सकते, हमारा फर्स्ट फ्रेंड जैगरी इसमें ऐड कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे ज्यादा किलो कैलोरीज बढ़ेगा उसका, वही 4 किलो है तो इस तरीके से जा सकते हैं 5 किलो में 6 किलो, और ये आप एज्यूमिंग 5 फीडिंग्स पर डे, ये पर फीडिंग का है, ऐसा आप 5 फीडिंग्स दे सकते हैं बच्चों पूरे दिन, ठीक है। आर्टिफिशियल इज हजारडस प्रोसीजर इन पुअर होम बिकॉज ऑफ डेंजर ऑफ कॉन्टेमिनेशन एंड ओवर डाइल्यूशन ऑफ द फीड। अब क्या होता है, आर्टिफिशियल का एक और प्रॉब्लम ये होता है कि अगर इस तरीके की बस्ती वगैरह में हम रहते हैं तो देर इज अ चांस कि आप जो दूध पिला रहे हो उसके अंदर कॉन्टेमिनेशन या कंटेजियस होने के चांसेस होते हैं, इन्फेक्शन होने के उसको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर 2-4 और दूध पीने वाले रहेंगे, चाय के लिए हमें दूध लगता ही है, तो बच्चे के दूध को पतला कर देते हैं, वो चांसेस भी। अब आ गया विनिंग, विनिंग यानी कि सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट में क्या है, इसमें यह होता है कि जैसे मां की मां दूध पिला रही है बच्चे को, 6 महीना तक पिलाया, बच्चा दूध नहीं छोड़ रहा है,
भूख लगेगी तो रोएगा तो दूध पीना है, तो वहां पर आप आर्टिफिशियल कुछ ना कुछ उसको दे सकते हैं। तो वहां पर एक ग्रेजुअल प्रोसेस स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 6 महीने में, जहां पर मदर मिल्क अलोन इज नॉट सस्टेन, क्योंकि जो मां का दूध है वो उसके लिए काफी नहीं है, उसको वहां पर सपोर्ट चाहिए और वो रिच और प्रोटीन में रिच होना चाहिए और न्यूट्रिएंट होना चाहिए, जिसको सप्लीमेंट्री फूड कहा गया है, जो ये सब आपके सामने रखा हुआ है। स्पाइनल सीरियल आप बच्चे को शुरू कर सकते हो, कोकोजी आप बच्चे को शुरू कर सकते हो, खीर बनाया खीर में डाल दिया, दाल में वगैरह ऐड कर दिया, करेक्ट है। तो सप्लीमेंट्री फूड क्या हो गया, ये काउ मिल्क है, फ्रूट जूस है, सॉफ्ट कुक्ड आइस है, दाल हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये सब के साथ में ये आपके प्रोडक्ट्स को आपको ऐड करना है। तो उससे क्या होगा, आपके बच्चों को क्या मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी। और पहले 2 साल अगर बच्चा आपका अच्छी डेवलपमेंट लेके चलता है, वो बच्चे को आगे जाके कहीं पे भी कोई इम्यूनिटी का वगैरह मैक्सिमम तकलीफ नहीं आता है। अब गांव के बच्चे देखो होता है क्या उनको, ठीक है, अपने यहां पे स्लम्स के बच्चों को देखो, हाँ, गंदे पानी में खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हाँ, कुछ हो रहा है क्या, क्योंकि उनकी बॉडी उस तरीके से तैयार हो गई है। मैं ये नहीं कहूंगा, हमारा हर बच्चा जो होता है, अपना बच्चा होता है, वो सेफ होना चाहिए और एक अच्छी लाइफ जीना चाहिए। तो ये सब के साथ में आपको चाहिए कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मोरिंगा इस्तेमाल कर सकते हैं, नूनी की कैप्सूल का पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर फायदा क्या है, मेन बात समझिए, 6 महीना तक बच्चे को सिर्फ मां के दूध का टेस्ट पसंद है, उसे ना कोई खट्टी चीज पसंद है मालूम है, ना उसे मीठी चीज ज्यादा मालूम है, ना तीखी चीज मालूम है। तो जो भी आप खाएगा आपका बच्चा, वो उसको इजीली एक्सेप्ट करेगा। यही वजह थी कि आपने देखा जब सुजीत नायर का बच्चा जो स्पार्टा का पाउडर पी रहा था करके ले रहा था, क्योंकि उसको टेस्ट ही नहीं पता था ना, उसके लिए तो वही अच्छा था। हम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको निर्णय लेना होगा, यह आपका निर्णय होगा, और उसके पहले आपकी जो बच्ची है, जिसका वो बच्चा है, उसको निर्णय लेना होगा, उसको वो खाना होगा, ताकि उसको वो चीज मिली होगी तो बच्चे को भी मालूम पड़ेगा यार ये तो मैंने खाया था। अब सुजेश और नायक की वाइफ ने तो स्वर्णा आजीजल वगैरह तो भरपूर खाया था, तो बच्चे ने भी इजीली एक्सेप्ट कर लिया, इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, उसकी वजह से कहीं ना जुलाब होगा ना कुछ होगा और इंजॉय भी करेगा, ठीक है। तो विनिंग ट्रेड इज द मोस्ट क्रूशियल ट्रेड इन चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड की डेवलपमेंट में ये विनिंग ट्रेड जो होता है ना सब्स्टिट्यूट का, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण ट्रेड होता है। ये प्रोसेस पर्टिकुलरली एक्सपोज टू हार्मफुल इंटरेक्शन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन, अगर इसके अंदर आपने संतुलित नहीं रखा तो हो सकता है कि आपके खाने में न्यूट्रिशन नहीं मिला तो फिर इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। अब क्या है, कई बार ऐसा होता है कि दूध पिलाते पिलाते घर के अंदर अच्छा कुछ बन गया है, नॉनवेज खाने वालों की तरफ से बोल रहा हूं, मटर वटन बन गया, चिकन विकन बन गया, खिला दिया, एक्सेप्ट करेगा, बस यही समझ। तो इफ इट इज नॉट कंट्रोल डॉक्टर फॉलोड बाय डायरिया, और अगर बच्चों को डायरिया हो जाते हैं तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, यही वजह होती कई बार हमें उन्हें एडमिट करना होता है, क्योंकि वो बच्चा बताएगा नहीं ना कि आपके पेट में दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है, बस रोते जाएगा किस वजह से रो रहा है हमें नहीं पता चलता। और इसके जो स्टूल्स होते हैं ना बच्चों के, उस पर से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ग्रीन कलर का अगर स्टूल आपका बच्चा पास कर रहा है तो मतलब कि गड़बड़ हो रही है, वो नहीं होना चाहिए, ये सब चीज। फिर मंथ ऑफ ग्रोथ फेलियर लीड्स टू मैरास्मस, इम्यूनो डिफिशियंसी मार्क बाय पर्सिस्टेंट इन्फेक्शन बीच में भी फटर। ये यहां पर पासी कॉलोनी है ना मैडम, वहां पर एक डॉक्टर तारापुर वाला, तारापुर वाले 30 ईयर हो गया, मैं भी भूल गया, ये लोकेश्वर के यहाँ पे नहीं, लोकेश्वर तो है, वो तो एक्सपायर हो गया, उनका लड़का है, उनके हॉस्पिटल में मैं था नाइट आ रहा, वहां पर वो एडमिट करते थे ये बंदा किसी भी, और ज्यादा करके इनके पुरला के पेशेंट होते थे। अब इनकी कंडीशन क्या होती थी, और ज्यादा करके इनका डायरिया का पेशेंट होता था, वो सारा
जब ये तो ज्यादा करके डायपर्स वगैरह नहीं होते थे तो कपड़ा ये बोले वो संभाल के रखो और उसको पैक करके रखो, ये 8 बजे किया, ये 6 बजे किया। अब मजे की बात है, बच्चा सोया है, सब कुछ अच्छा है, माँ भी सोई है, हम लोग रात में सबको अच्छे से सेट करके हम भी थोड़ी थोड़ी मजा लेने नींद लेने की कोशिश करते हैं। भाई ये भाई आ रहे हैं 8:30 बजे रात में, माँ को भी उठाएगा, बच्चे को भी उठाएगा, पारसी के लोग, और यहाँ कोई पारसी नहीं है तो बोल सकते ये 8 बजे का है, ये 6 बजे का है, लेकिन ये हमको ऐसा चाहिए। अब वो हमारी केरला वाली सिस्टर थी, वो बोलती थी सर इसको मैं ना प्लेट में सर्व करके देती, यार बोले परेशान कर देता, इसको बोलो ना यार सुबह में आने के लिए, अभी बच्चा सोया है, माँ अच्छे से सोई है, सब सेटल है। तो बोला नहीं, उनका कंसर्न है, बराबर बोल रहा है, इतने डिफरेंस के बाद में इतना ये कलर आना चाहिए, क्योंकि इतना एंटीबायोटिक दिया, इतना टैक्सिन दिया, इतना सब कुछ दिया, तो ये कलर आना चाहिए, वो नहीं आ रहा तो समथिंग इज रॉन्ग। बोला समझो ये बात को, वो समझा, लेकिन उसका समझाने का तरीका नहीं था, वो अलग था, तो पास ही थे। सो नेशनल गाइडलाइंस यही है इन्फेंट्स एंड चाइल्ड फीडिंग में, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और सिक्स मंथ और इंट्रोडक्शन ऑफ यही अप टू 2 एज ऑफ